हेलो दोस्तों, पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ कोल। तो जो कोयला हम लोग बॉयलर में कम्बशन के लिए यूज करते हैं, जिससे हमारा स्टीम रेडी होता है, तो उस कोयले का क्या क्या टाइप्स है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस टाइप का जो कोयला होता है उसका क्या जिस्वी होता है, क्या कार्बन परसेंटेज होता है और उसको कितने ग्रेड में बांटा गया है, इसी सभी बातों का हम लोग इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल ये वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि ये जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो पाए। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो भी इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ कोल, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोल यानी कि कोयला एक तरह का हमारा सॉलिड फ्यूल होता है। तो जो भी हमारा ये सॉलिड फ्यूल है, इसका कहीं ना कहीं से तो फॉर्मेशन होता होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोयला होता है वो कोल माइन से निकाला जाता है, कोयले के खदान से निकाला जाता है। तो उस कोल के माइंस में इस कोयले का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कोलिफिकेशन कहते हैं। तो कोलिफिकेशन क्या होता है, तो जैसे आप लोग जानते हैं, शुरू से ही बचपन में पढ़े होंगे कि कोयले का जो निर्माण होता है वो कैसे हुआ है। तो लाखों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे थे वो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वो जमीन के नीचे धंस गए, और जैसे जैसे समय बीतता गया, लाखों वर्ष बीतता गया, तो उसके ऊपर जो मिट्टी का जो प्रेशर और जो इंटरनल जो हीट का जो इफेक्ट पड़ा, उसी के कारण लाखों वर्ष बाद हमें ये जो पेड़ पौधे जो नीचे धंस गए थे वो कोयले के रूप में देखने को मिले। तो उसी से ये कोयला हमारा निर्माण हुआ, जो कि हम लोग कोयला खदान से निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ, जो लाखों वर्ष तक उसमें जो पेड़ पौधे में जो परिवर्तन हुआ और वो कोयले का निर्माण हुआ, तो उसी को कहा जाता है कोलिफिकेशन। अब जो ये कोल होता है ये अंदर तो गया, लेकिन इसका फॉर्मेशन जो होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते जाएगा। तो ये जैसे जैसे समय बीतेगा उसका परिवर्तन जो है वो और भी अच्छा देखने को मिलेगा। सपोज मान लीजिए कि अगर हम कुछ समय बाद निकालते हैं, अगर जल्दी ही किसी जमीन के अंदर से अगर कोयले को निकाल लेते हैं, तो वो उस समय जो हम लोग को कोयला देखने को मिलेगा वो होगा पीट। लेकिन और कुछ समय बीत जाएगा तो उस समय जब हम लोग कोयला निकालेंगे तो फिर हमें लिग्नाइट मिलेगा, और फिर अगर हम कुछ समय बाद निकालेंगे तो उस समय हमको बिटुमिनस मिलेगा, और कुछ लंबे समय के बाद अगर निकालेंगे तो उस समय हमको एंथ्रासाइट कोल मिलेगा, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है एंथ्रासाइट कोल को। और ये एंथ्रासाइट कोल होता है वो सबसे ज़्यादा जमीन के अंदर पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा जमीन के अंदर क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक जमीन के अंदर होता है, जिससे मिट्टी का दबाव इसमें बदलते रहता है, यहाँ पे मिट्टी जो है वो कंटिन्यूस जमा होते रहता है, जिससे ये अंदर की तरफ गहराई में चला जाता है। तो उसी गहराई से हम लोग इस एंथ्रासाइट कोल को निकालते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी का जो लेयर है अगर उसके ऊपरी भाग में देखेंगे तो हमको ऊपरी भाग में ही पीट और लिग्नाइट मिल जाएगा। पीट को सबसे बेड क्वालिटी ऑफ कोल माना जाता है, ये सबसे खराब टाइप का कोल होता है, जो कि जिसमें मॉइस्चर भी काफ़ी होते हैं और ये काफ़ी हेवी होता है। इसमें अगर देखेंगे, अगर इसका जिस्वी की बात करेंगे तो इसमें जिस्वी भी काफ़ी कम होता है, कार्बन भी बहुत कम होता है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे एक एक करके। तो इस तरह से अभी हम लोग देख लिए कि जो कोयला होता है वो चार प्रकार का मेलनी होता है, जिसमें पहला जो है वो पीट हो गया, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस और चौथा जो हो गया वो हो गया एंथ्रासाइट। अब ये जो कोल है ना, ये थर्मल पावर प्लांट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, अगर कोयला नहीं होगा तो थर्मल पावर प्लांट का तो कल्पना हम लोग कर ही नहीं सकते। इसके सिवा इस कोल का और भी बहुत जगह यूज होता है, घरों में ईंधन के रूप में भी यूज होता है और भी कई जगह इसके यूज होता है, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। अब ये जो कोयला है इसको कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इस कोयले को हम लोग जब भी यूज करते हैं तो एक बार जल जाने के बाद इसको हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और ये जो कोल है ये अनलिमिटेड हमारे यूज के लिए नहीं है, ये कुछ ही समय के लिए हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए इसे कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के कैटेगरी में रखा गया है। तो अभी हम लोग देख लिए कि जो कोल होता है वो मेनली चार प्रकार का होता है, लेकिन अभी इसमें बिटुमिनस और जो एंथ्रासाइट है इसको भी सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग सब बिटुमिनस और जो एंथ्रासाइट है उसको हम लोग सब एंथ्रासाइट भी कहते हैं। ये जो सब बिटुमिनस होता है वो लिग्नाइट से थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है और बिटुमिनस से थोड़ा कम अच्छा होता है। उसी तरह जो सब एंथ्रासाइट है वो एंथ्रासाइट से थोड़ा कम अच्छा होता है और बिटुमिनस से थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये जो बिटुमिनस कोल है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है केकिंग
बिटुमिनस कोल और दूसरा होता है नॉन केकिंग बिटुमिनस कोल। जो केकिंग कोल होता है उसको यदि आप जलाएंगे तो वो क्या होता है, जलने के साथ एक्सपेंड करता है, वो थोड़ा स्वेल करता है और जलने के बाद ये एक लम्स टाइप का बन जाता है। और जो नॉन केकिंग बिटुमिनस कोल होता है वो शॉर्टर फ्लेम के साथ जलता है, इसलिए ज्यादातर जो यूज होता है वो नॉन केकिंग बिटुमिनस का ही कोल का यूज किया जाता है बॉयलर में। अब ये जो कोल है वो कितने ज्यादा अच्छा है, कितना ज्यादा यूज करने लायक है, ये हमें इसका अल्टीमेट एनालिसिस से पता चलता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि उसमें कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, सल्फर कितना है। तो ये सब हम लोग को अल्टीमेट एनालिसिस से ही पता चलेगा। अब अल्टीमेट एनालिसिस और प्रोक्सीमेट एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बस अभी ये जानिए कि जो अल्टीमेट एनालिसिस होता है उससे हम लोग केमिकल एनालिसिस करके कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी होता है उसको हम लोग पता कर पाते हैं। जिस किसी भी कोल में अगर कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है यानी कि वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, और जितना ज्यादा कार्बन का परसेंटेज होगा उसका जीसीबी भी ज्यादा होगा। अब जीसीबी का मतलब ये हो गया कि अगर हम 1 kg कोल को जलाएंगे तो हमें जो जितना कैलोरी हीट मिलेगा उसी को कहा जाता है जीसीबी। 1 kg कोल जलाने पे हमें कितना कैलोरी हीट मिलेगा उसको हम लोग जीसीबी कहते हैं। जीसीबी और एनसीबी क्या होता है इसके बारे में भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बस ये जानिए कि जो 1 kg हम लोग कोल जलाते हैं उसमें जो एनर्जी यानी कि जो हीट हमें मिलता है किलो कैलोरी में उसी को हम लोग जीसीबी या सीबी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग कोल का एनालिसिस करेंगे अल्टीमेट एनालिसिस, तो पहले अगर हम लोग पीट को करेंगे तो उसमें कितना कार्बन हमें मिला, 55% इसमें कार्बन होता है, और जो हाइड्रोजन होता है वो 6% होता है, और ऑक्सीजन 35%, और जो इसका जो सीबी है यानी कि कैलोरिक वैल्यू इसका 5000 किलो कैलोरी पर केजी होता है। तो इसमें अब देखिए, अब जो ये हमें पहले कोल मिला था, अब इसके कुछ समय बाद अगर हमें लिग्नाइट मिलेगा तो वो कोयला और भी ज़्यादा अच्छा होता है, अभी आप यहाँ से समझ पाएंगे। तो इसमें देखिए, इसमें जो है कार्बन का परसेंटेज बढ़ गया लिग्नाइट में, यहाँ पे हो गया 70%। अब कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा तो जीसीबी भी जाहिर बात है बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 70% हो गया, हाइड्रोजन हो गया 6% और ऑक्सीजन हो गया 22%, और जो सीबी है वो है 5500 किलो कैलोरी पर केजी हो गया। ठीक उसी तरह बिटुमिनस जब हमें मिलेगा तो उसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है वो होता है 80-92% तक होता है, और जिसमें हाइड्रोजन जो होता है वो 4%, और जो ऑक्सीजन होता है वो 5-15% तक होता है, और ठीक उसी तरह इसका भी जीसीबी बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8000 किलो कैलोरी पर केजी। फिर उसके बाद अगर हमें एंथ्रासाइट मिलता है तो उसका अगर हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस करेंगे तो इसमें जो कार्बन परसेंटेज मिलता है वो ग्रेटर देन 92% मिलता है, और जिसमें हाइड्रोजन जो है वो 3% है, और जो ऑक्सीजन है वो 2-4% तक है, और जो सीबी है इसका वो सबसे ज्यादा है 8600 किलो कैलोरी पर केजी। मतलब कि अगर 1 kg एंथ्रासाइट अगर कोल हम लोग जलाते हैं तो उसमें हमको सबसे ज्यादा हीट एनर्जी मिलेगा। तो इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे अगर ये कार्बन बढ़ता जा रहा है उसका सीबी भी बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे कोल का क्वालिटी बढ़ते जा रहा है उसी अनुसार ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर होता है वो भी कम होता जाता है। जैसा कि यहाँ पे ऑक्सीजन 35% था, फिर 22 हुआ, फिर 15 हो गया, फिर 2-4% हो गया। तो कोल का क्वालिटी जैसे जैसे चेंज होता है हर एक पैरामीटर चेंज होते जाता है। अब इसके अलावा जो हमारा कोल होता है उसको कई ग्रेड में बांटा गया है, जिसमें जो है एक कैटेगरी जो होता है वो होता है G1 से लेके G17 तक, और जो दूसरा कैटेगरी होता है, जो दूसरा ग्रेड होता है वो होता है A से लेकर G तक। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो ग्रेड है वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए ये जो ग्रेड जो बांटा गया है वो उसके कोल के जीसीबी के ऊपर बांटा गया है। अगर किसी भी टाइप्स का अगर आपको कोल आपके सामने रख दिया जाए और उसका ग्रेड बता दिया जाए तो आप आसानी से बता पाएंगे कि इसका जो जीसीबी है वो कितना है। तो उसी जीसीबी के अनुसार ही इस कोल को कई ग्रेड में बांटा गया है। तो पहले देख लेते हैं G1 से G70 तक कितना है। तो देखिए G1 अगर कोल की बात करेंगे तो इस ग्रेड का जो कोल होता है इसकी जो जीसीबी है वो सबसे ज्यादा हाई होता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 7000 किलो कैलोरी पर केजी होता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यानी कि G2 G3 होते जाएंगे तो हमारा जो जीसीबी है वो घटते जाएगा, और लास्ट में जो G17 आएगा वो हो जाएगा 2200 से लेके 2500 किलो कैलोरी पर केजी। अब जो A से G तक जो ग्रेड होता है कोयले का उसको एक नजर देख लेते हैं। तो ये हो गया कोयले का जो ग्रेड हो गया, और ये हो गया उसका जीसीबी। तो A ग्रेड का जो कोल होता है उसका जो जीसीबी होता है वो 6200 होता है, और जो नेक्स्ट जो है वो B जो हो गया B ग्रेड का कोयला वो हो गया 5500 से 6200, उसी तरह C हो गया 4940 से 5500 तक, और D जो हो गया वो हो गया 4200 से 4900
40 तक, और जो ई ग्रेड का हो गया वो हो गया 3360 से 4200 तक, और एफ ग्रेड का जो कोल हो गया वो हो गया 2400 से 3360 तक। लास्ट जो हमारा जो जी ग्रेड का कोल है उसका जो जीसीबी होता है वो सबसे कम होता है 1300 से लेके 2400 किलो कैलोरी पर केजी। तो इस तरह से कई ग्रेड में कोल को डिवाइड किया गया है। तो ये हो गया कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है और ये कितने टाइप्स का होते हैं। तो आई होप कि ये जो वीडियो होगा वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक ज़रूरी बात कि जितना ज़्यादा हम लोग के लिए काम इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा हम लोग के लिए खाना इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह उतना ही इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए इंटरटेनमेंट भी है, मस्ती भी है, इंजॉयमेंट भी है। तो इसीलिए हमने एक इंटरटेनमेंट वाले भी चैनल का ओपन किया है, तो आप उसको भी ज्वाइन करें। उसमें जो भी मेरा इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो मेरा डेली एक्टिविटी होगा, जो मेरा डेली लाइफ स्टाइल होगा, उसी के बारे में वो वीडियो उसमें होगा, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते रहते हैं मेरे बारे में, तो मैं हर चीज़ इसमें शेयर नहीं कर सकता। तो इसलिए वो चैनल को अलग खोला गया, आप उसको भी जाकर ज्वाइन करें। उसमें आप मेरे सारी एक्टिविटी के बारे में जो मेरा डेली रूटीन है आप उसे वहाँ पे देख करते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। अब इधर जैसा वीडियो नॉलेज वाली जो वीडियो आती है वो आती रहेगी, और उधर जो एंटरटेनमेंट वाली वीडियो है वो आती रहेगी, जो डेली लाइफ स्टाइल है उसकी वीडियो आती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।